हेलो फ्रेंड्स, आज लोबिया का टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे। उसके लिए चाहिए लोबिया, दो कटा हुआ आलू, एक बड़ा प्याज कटा हुआ और दो टमाटर पीस लेंगे फ्रेंड्स, और सभी मसालों को पीस लेंगे। इस मसाला में हम लिए हैं जीरा, गोलकी, धनिया, मिर्चा, आदि, लहसुन, सभी को अच्छी तरह से पीस लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको रख देते हैं एक साइड और गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे तेल फ्रेंड्स, जैसे गर्म हो जाएगा तेल डाल देंगे। यहाँ जीरा, दो टुकड़ा लाल मिर्च का डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे फ्रेंड्स, सभी को चटकने देंगे और एक बड़ा प्याज कटा हुआ डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स। सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने तक। यहाँ पिसा हुआ टमाटर डाल दे रहे हैं, मसाला डालेंगे फ्रेंड्स, सभी मसाला जो पीसे हुए थे। हल्दी डालेंगे थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लोबिया डालेंगे फ्रेंड्स यहाँ, और दो बड़ा कटा हुआ आलू डालेंगे। सभी को अच्छी तरह से भूनेंगे। लोबिया को हम रात भर रख दिए थे फूलने के लिए फ्रेंड्स, रात में फूलने के लिए रख दिए थे, तो सुबह इसको बना रहे हैं फ्रेंड्स। मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे फ्रेंड्स, कढ़ाई में चिपकने नहीं देंगे, जो चिपका है उसको छुड़ाते हुए भूनेंगे फ्रेंड्स। मसालों को भूनने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब भून जाता है इसका स्वाद सब्जी का बढ़ जाता है फ्रेंड्स। अब भून गया सब, इस कढ़ाई को दूसरे गैस पे रख देते हैं और इस पे चढ़ा देते हैं कुकर में गर्म पानी होने के लिए। अब इसमें सारा भूंजा हुआ सब्जी डाल देते हैं। अब कुकर का लीड लगा देते हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह से गलने के लिए थोड़ा एक से दो सीटी लगाकर फिर प्रेशर अपने सारे निकलने देंगे, उसके बाद खोलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए बन के कुछ इस तरह हुआ, बहुत टेस्टी। इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, आपको अगर इच्छा है तो गरम मसाला डाल सकते हैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। देखिए बन के कुछ इस तरह लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। यहाँ मैं सर्व करके बता रही हूँ, चावल के साथ बनाएं, चावल और लोबिया की सब्ज़ी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। ये वो ट्राई अपने घर में ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत टेस्टी लगता है।